Which are the United States, uh, European countries, seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone, right? Which is a real problem with regards to, um, and, and frankly, where the opposition is fighting that battle, right? And it's not just an Indian battle, it's actually a much more important battle because it's a battle for uh, a huge part of the democratic. मैं किसी व्यक्ति विशेष की बातों के संदर्भ में कुछ नहीं कहूंगा लेकिन अपने अनुभव के आधार पर कहना चाहूंगा कि यह नितांत असत्य बेबुनियाद आधारहीन नथिंग कैन बी मोर फॉल्स देन दिस मैं पिछले नौ वर्षों से संसद में हूं और मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि इस तरह की बात किसी से आज तक न सुनने को मुझे मिली न मेरी जानकारी में है भारतीय संसद लोकतंत्र का जीवंत स्वरूप है उन्नीस से जिन परंपराओं जिन नियमों जिन ट्रेडिशंस जिन व्यवस्थाओं के तहत संसद चलती रही आज भी उन्हीं के तहत चल रही है तो इस तरह की बात कम से कम मेरी जानकारी में नहीं है और जितना मैं जानता हूं किसी और ने भी संसद के अंदर और बाहर इस तरह की बात कम से कम मेरी जानकारी में नहीं कही इसलिए जैसा मैंने कहा नितांत असत्य बेबुनियाद आधारहीन असत्य गलत इससे अप्रमाणित अपुष्ट कोई और बात नहीं हो सकती